वंदे मातरम गोविंद भाई, कैसे हैं आप? मैं वीके शर्मा, नाइस एक्सपर्ट डॉक्टर विश्वरूप की टीम से बिजनौर यूपी से बात कर रहा हूँ। अभी शुक्रवार के दिन मेरी बेटी स्कूल में खेलते समय उसको मोच आ गई थी हाथ में, काफ़ी स्ट्रांग मोच थी उसकी। तो जैसे ही वो दोपहर के बाद घर आई, हमने उसको थोड़ा हल्दी और उसका सरसों के तेल का लेप लगा दिया। उससे पहले हमने उसकी गर्म पानी से सिकाई की, तो उसको थोड़ा राहत मिल गई। रात को फिर से हमने ये चीज़ उसको बांध दी, हल्दी तेल और थोड़ा कॉटन लगा करके, नमक लगा करके हमने उसको एक लेप बना करके बांध दिया, जिससे उसके हाथ में जो हल्की फुल्की स्वेलिंग थी वो उतर गई। लेकिन सुबह में क्या हुआ, क्योंकि वो काफ़ी स्ट्रांग मोच थी तो उस पर स्वेलिंग थोड़ी बढ़ गई, उसकी उंगलियों पे भी स्वेलिंग हो गई थी और अंगूठा भी उसका मूवमेंट नहीं कर पा रहा था। तो मैंने गोविंद भाई जी से पूछा, इन्होंने बताया शहद, चूना, एलोवेरा, हल्दी, मेथी, अजवाइन, ये जितनी भी चीज़ें हमें मिली, उसमें लहसुन भी था, तो इसका हमने पेस्ट बनाया, इसका लेप बनाया, लेप बनाकर उसके हाथ पे रखा। इससे पहले मैं उसका एक एक्सरे लेकर के आया था, एक्सरे में हमने ये कंफर्म करना था कि कहीं कोई हड्डी में कोई फ्रैक्चर तो नहीं है, तो वो नहीं था, सिर्फ टिश्यू डैमेज थे, वहाँ पर स्वेलिंग थी। तो हमने ये पेस्ट बना करके, लेप बना करके उसको बांधा सुबह शाम सुबह शाम। साथ में खाने के लिए हमने हल्दी मेथी सौंठ अजवाइन दिया उसको काढ़े के रूप में, हालांकि उसने इतना नहीं पिया क्योंकि वो थोड़ा कड़वा लगता है, तो एक दो बार उसने पिया, लेकिन इतने पीने से ही उसको काफ़ी रेस्पॉन्स आ गया, काफ़ी रिजल्ट आ गए थे। आज वो बिल्कुल सही है, 3 दिन हो गए हैं और 3 दिन में उसका हाथ मूवमेंट करने लगा है, वो सारी एक्टिविटी करने लगी और अपने स्कूल भी जाने लगी है। तो मैं धन्यवाद करूँगा आपका सर, और आपको विशेष दूंगा फॉर दिस प्रेस्टिजियस वर्क। थैंक यू।